Assalamu alaikum. Hello and welcome to Bake at Home. Aaj hamara pehla episode hai, so please allow me to introduce myself. Mera naam hai Chef Romana Husain aur main aapke liye ek bahut exciting show leke aayi hu. Hame aapki feedback mili thi aur hame ye pata chala hai ki aap thodi basic cooking aur baking se hatke aapko thodi advanced ki taraf jana hai. So aaj main aapke liye banaungi ek marble aur crystal ka cake. जो कि 2019 में बहुत फैशन में था अगर आप कहना चाहें तो इट्स अ ब्यूटीफुल पिंक मरून एंड वाइट मार्बल फॉन्डेंट जो कि मैं अपने केक के ऊपर ड्रेप करूंगी और फिर उसके बाद एक शुगर क्रिस्टल बना के उसका टॉपर बनाऊंगी केक डेकोरेटिंग के तीन स्टेजेस होते हैं सो द फर्स्ट स्टेज इज़ बेकिंग जो कि मैं ऑलरेडी करके ला चुकी हूँ द सेकेंड स्टेज इज़ ट्रिमिंग एंड फिलिंग वो मैं आपको करके दिखाऊंगी एंड थर्डली इज़ द शुगर वर्क जो कि डेकोरेटिंग में आता है द केक इज़ हियर ऑलरेडी इट्स अ वनीला केक और वनीला फ्रॉस्टिंग में भी आपको बनाना सिखाती हूँ सो विल जस्ट गो टू इट वी गोना स्टार्ट विद आवर बटर क्रीम जो कि हमारे केक का ग्लू होता है उसमें जो फ्लेवरिंग है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं आई एम गोना शो यू वनीला जो कि एक बेस है फिर उसके अंदर अगर आप कोको पाउडर कॉफ़ी लेमन स्ट्रॉबेरी जो भी डालना चाहें वो ऊपर से डाल सकते हैं सो वी गोना स्टार्ट विद बटर बटर जो है नीड्स टू बी रूम टेम्परेचर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी बटर क्रीम फ्लफ़ी नहीं होती और ठीक नहीं बनती दिस इज़ द रीज़न रूम टेम्परेचर इज़ 20 degrees रूम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर है तो आप सख्त बटर डाल दें हैज़ टू बी 20 to 25 degrees बटर इन योर मिक्सर ये इसको कहते हैं के टूल अगर ये वाला आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास हैंड हेल्ड मिक्सचर है मिक्सर है वो भी यूज़ हो सकता है ये 200 ग्राम बटर है और ये 450 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर है आइसिंग शुगर इसका मोर देन डबल का रेशियो है उसकी वजह ये है कि जो आइसिंग शुगर है वही इसको फ्लफ़ी बनाती है अलॉन्ग विद द टेम्परेचर और जो मिक्सिंग है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे एयर आपकी बटर क्रीम में ट्रैप होती है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो वी विल स्टार्ट दो या तीन टेबल स्पून्स एट अ टाइम सारा एक साथ अगर आप डाल देंगे तो फ्लफ़ी टेक्सचर नहीं आएगा आपकी बटर क्रीम का सो आई एम गोना स्टार्ट स्टार्ट स्लो पहली क्वांटिटी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए देन यू ऐड द नेक्स्ट एंड देन अंटिल द एंड ये वाली जो बटर क्रीम है इसको कहते हैं अमेरिकन बटर क्रीम इट्स वेरी सिंपल जस्ट बटर एंड शुगर और इसमें कोई मरैंग बेस या कोई एग वाइट या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है प्लीज़ रिमेंबर आइसिंग शुगर आप घर पे नहीं बना सकते हैं आई हैव हैड मैनी पीपल जो कहते हैं कि हमने चीनी घर पे पीसी और उससे दांत के नीचे आ रही थी और हमारी जो बटर क्रीम थी वो स्मूथ नहीं थी दिस इज़ द रीज़न ये पाउडर जैसी चीनी आप घर में बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकते आइसिंग शुगर आपको ख़रीदनी पड़ेगी हमारा जो ये शो है ये आपके लिए हमने जो ख़ास इसको हमने बनाया है इट इज़ मेनली अबाउट डेकोरेटिंग तो आप जो केक्स आप अपने घर में बनाते हैं चॉकलेट या और किसी फ्लेवर के वो आप बना के रखें और उसकी डेकोरेशन कैसे करेंगे वो हम आपको इस शो पे बताएंगे एट बेक एट होम इसका मैं ख़त्म कर रही हूँ आई थिंक थोड़ा सा रह गया
this stage pe aap isme jo bhi aapki flavor hai, we're going with vanilla today. Ye vanilla maine dala hai around a tablespoon. थोड़ा सा स्ट्रगल करिए, इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा सा लिक्विड डालना जरूरी है, विच टुडे इज मिल्क. जब मैं कॉफी बटर क्रीम बनाती हूँ तो इस स्टेज पे इस दूध में मैं थोड़ी सी कॉफी डिजॉल्व कर लेती हूँ, बट टुडे इट्स जस्ट प्लेन. क्योंकि आप ज्यादा लिक्विड अगर डालेंगे अपने बटर क्रीम्स में तो उसका टेक्स्चर खराब हो जाएगा. चेक करते हैं. ब्यूटिफुल, नाइस एंड सॉफ्ट. केक को अच्छी तरह से फिल भी करेगा और कोट भी करेगा. अब मैं अपनी बटर क्रीम एक बोल में निकाल लेती हूँ और अपने केक्स को रेडी कर लेती हूँ. इन द मीन टाइम लेट्स टेक अ ब्रेक एंड स्टे विद अस ऑन बेक इट. वेलकम बैक टू बेक इट होम. हमारे केक्स रेडी हैं, हमारी फ्रॉस्टिंग रेडी है. नाउ वी आर गोइंग टू असेंबल एंड ट्रिम. तो ये मैंने जो केक्स जब बेक किए थे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनमें हल्का सा डोम था, तो मैंने अपनी शार्प नाइफ से इसको रख के स्ट्रेट बिल्कुल काट लिया था. इतना मुश्किल नहीं है. आई नो पीपल स्ट्रगल कि उनसे स्ट्रेट नहीं कटता. यू हैव टू थिंक स्ट्रेट. अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा तो मेजर करें ऐसे करके. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, आप उसको मेजर करें और हर 3 सेंटीमीटर्स के बाद आप एक टूथपिक लगा दें और फिर वहाँ से आप उसको कट करें. तो योर केक्स विल बी परफेक्टली लेवल. दैट इज़ द लेमैन्स वे. अदरवाइज़ अगर आप ब्रेड नाइफ यूज़ करें, इट्स वेरी वेरी शार्प और वो आराम से आपका केक काट देगा. सो वी कैन फिल द केक विद आवर बटर क्रीम और फिर इसको क्रस्ट बना के हम इसको फ्रिज में रखेंगे बिफोर वी कैन ऐड द फॉन्डेंट. सो सिंपल, हियर वी गो. स्ट्रेट सेकेंड लेयर अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे. जो फ्लैट साइड है, यानी कि जो बॉटम साइड है, वो हम ऊपर लगाएंगे. सो वी हैव अ नाइस क्लीन एज. परफेक्ट बटर क्रीम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर. मैं थोड़ा सा अपना स्पैचुला चेंज कर रही हूँ, ये बड़ा है. आई एम गोना गो विद अ लिटिल वन. ये ऑफसेट स्पैचुला जो है, ये इसका हैंडल करना बहुत आसान होता है. देखें, इट्स ऑल इन द रिस्ट. हमें एजेस चाहिए स्ट्रेट, तो ये बटर क्रीम जो है हमें इस चीज़ के लिए हेल्प करती है. जो डेकोरेटिव केक्स हैं उनमें काफ़ी टाइम लगता है. पेशेंस का काम है, शौक का काम है, विच इज़ वाई मैं आपको स्पंजेस इस वक्त बनाना नहीं दिखा सकती, बिकॉज स्पंजेस ये मैंने एक दिन पहले बनाए थे. So you have to let them rest, ताकि आपके sponges की जो crumbs हैं वो अपनी जगह पर आ जाएँ और फिर दूसरे दिन आप उसको stabilize करके उसकी decoration शुरू कर सकते हैं. So अगर हमारे पास ज़्यादा time होता तो हम कर सकते थे. Unfortunately, क्योंकि ये show जो है ये decorating के बारे में, so we're gonna fill and decorate for you. I am happy with this. अब हम इस cake को फ्रिज में रखेंगे फॉर अ मिनिमम ऑफ 30 मिनट्स. 30 मिनट्स इज अ मस्ट. उससे क्या होगा 30 मिनट्स में, क्योंकि इसमें मक्खन है, तो मक्खन जब आप फ्रिज में डालते हैं तो उसका क्या होता है, मक्खन सख्त हो जाता है. एंड दैट्स व्हाट वी वांट. तो ये थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी. फिर इसके ऊपर जब हम फॉन्डेंट लगाएंगे तो ये ना क्रैक करेगा ना टूटेगा. आई एम गोइंग टू पुट दिस इन द फ्रिज एंड देन आई एम गोइंग टू रोल आउट द फॉन्डेंट. केक हमने फ्रिज में रख दिया है फॉर द बटर क्रीम टू हार्डन. सो इन द मीन टाइम मैं आपको एक फॉन्डेंट रोल करके दिखाऊंगी. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन. इसको कहते हैं मार्बल. मार्बल हम सबको पता है कि क्या है, इसका डिज़ाइन कैसे अचीव करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ. तो एक आपका बेस कलर होता है, वी गोना स्टार्ट विद वाइट. इसको आप गूंदें. कॉर्नफ्लावर ये हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि
इसके ये बेस से चिपके नहीं. अब ये करना कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ. तो एक इस साइज की हम ब्रेड जैसी बनाएंगे. तीन कलर्स मैंने यूज़ किए हैं, वाइट, लाइट पिंक एंड मजेंटा. ये इसमें चिपकाया. दिस इज द थर्ड कलर. ये आप बने बनाए कलर्स भी खरीद सकते हैं एंड यू कैन बाय वाइट एंड कलर देम योरसेल्फ. और ये तीन हमने लगाए. अब इसको हम ट्विस्ट करें. रोल हो जाएगा. अब हम इसको फोल्ड करेंगे एंड बीच में से काटेंगे. ये अब आपका मार्बल का जो इफेक्ट है यहां से शुरू होगा. ये दो फ्रंट पीसेस आप साथ डालें और नीचे दबा दें. अब इसको हमने एक बड़ा पीस बनाना है. सो नाउ यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल कि आप इसको इतना ना इसको रोल करें कि ये सारा एक पिंक कलर बन जाए. ये वाली साइड ज़्यादा खूबसूरत है सो वी विल यूज़ दिस. लेकिन हम एंड में भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें टॉप साइड चाहिए या बॉटम साइड. जहाँ हमें मार्बलिंग ज़्यादा नज़र आएगी हम वो यूज़ करेंगे. कॉर्न फ्लावर, लेकिन हम आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए. मैं इसलिए नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आइसिंग शुगर फॉन्डेंट में मिलके फॉन्डेंट को थोड़ा सा हार्ड कर देती है. बट इट्स योर चॉइस. इसको रोल करेंगे. फॉन्डेंट नीड्स टू बी रोल्ड क्वार्टर ऑफ एन इंच. ज़्यादा पतला करेंगे तो उसमें टेयर्स आ जाएंगे. ज़्यादा मोटा रखेंगे तो उसमें आ जाते हैं क्रैक्स. दोनों नहीं चाहिए हमें. हाउएवर जो मार्बल फॉन्डेंट है ना, इट्स एक्चुअली वेरी फॉरगिविंग. तो अगर उसमें कोई क्रैक्स या फोल्ड्स आ जाते हैं तो नज़र नहीं आते. ब्यूटीफुल. ये थोड़ा बड़ा है विच विल मेक इट हैवी. तो इसको हम थोड़ा सा काटेंगे. अब हम ना केक निकालते हैं फ्रिज से और फिर मैं इसको आपको कवर करके दिखाऊंगी कैसे करते हैं. परफेक्ट. अब आप ये देखें. देखिए मेरे हाथ पे बटर क्रीम नहीं लग रही. इट्स फर्म टू द टच. हियर वी गो. यू स्ट्रेच एंड डन. इसका जो मनूवर है वो ये है, हाथ से. बिकॉज ये स्ट्रेची होता है तो जैसे जैसे आप इस पर हाथ ऐसे फैलते जाएंगे उसके सारे जो रिजेस हैं और फोल्ड्स हैं वो खुलते जाएंगे और वो बाहर की तरफ आ जाएंगे. इसमें आपको थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी. यू कैन नॉट लीव इट एंड वेट. अब थोड़ी सी मैं इसकी काट की फिनिशिंग आपको दिखाती हूँ. ये बेस इसका तैयार है. अब हम लेते हैं एक ब्रेक एंड व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द ब्रेक मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी फिनिशिंग कैसे करते हैं और इसका शुगर क्रिस्टल कैसे बनाते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक टू बेक एट होम. ब्रेक के दौरान मैंने इसको स्मूदर से बिल्कुल स्मूथ कर लिया है. ये दो स्मूदर्स मैंने यूज़ किए थे एक साथ. तो एक से मैंने पकड़ा था क्योंकि अगर आप हाथों से करेंगे यू गोइंग टू डेंट योर केक बिकॉज द बटर क्रीम इज़ देयर. तो एक आप यहाँ, दूसरा यहाँ और हल्के हल्के प्रेशर से इसको आप पूरा स्मूथ करें. ऐसे करें. आई एम हैप्पी विद दिस. अब आपका ये वाला पार्ट जो है वो तैयार है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ अ बेस.
इस बेस को मैंने पेपर से कवर किया है. अगर आप चाहें तो फॉन्डेंट से कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी. हैवी भी हो जाता है एंड इट्स अ वेस्ट. वी डोंट वांट टू वेस्ट एक्सपेंसिव फॉन्डेंट. तो ये मैंने पेपर पे इसको लगाया है और यहाँ इसकी एज पे एक रिबन चिपकाई है, जिससे एक बहुत प्रोफेशनल लुक आता है आपके केक्स का. इट डजंट कॉस्ट मच, बहुत लो एफर्ट, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज वी आर गोइंग टू लीव दिस हियर एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक क्रिस्टल. इसको हम क्रिस्टल भी कहते हैं और इसको हम जियोड भी कहते हैं, जो कि इसका साइंटिफिक वर्ड है. आई थिंक एमेथिस्ट और दो चार और जो क्रिस्टल्स हैं वो ट्रू इन नेचर होती है, हम उनको कॉपी करेंगे. आई विल शो यू नाउ. ये हम इधर रख देते हैं. ओके, ये इतना सिंपल है. जब बन जाता है क्रिस्टल तो लोग हैरान होते हैं कि इतनी सिंपल इसकी कैसे हो सकती है प्रोसीजर. इट्स कुछ भी नहीं है. जो प्रोफेशनल बेकर्स हैं उनके पास होती है आइसोमॉल्ट. आइसोमॉल्ट इज़ एन इन्वर्टेड शुगर. वो जो है उससे वो बनाते हैं खुद अपने क्रिस्टल्स. हम वी आर बेकिंग एट होम और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता. सो हम क्या यूज़ करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ये है. ये आप देखें, ये कैंडीज़, स्वीट्स, चीनी की बनी हुई. ये वाइट वाली हैं, ये मिंट फ्लेवर है मेरे ख्याल से, और ये कोई स्ट्रॉबेरी सी थी. ये बहुत आराम से मार्केट में मिलती हैं. इनको आप काटेंगे और इसका ये शक्ल होनी चाहिए. सो दिस इज़ द वाइट वन, दिस इज़ द रेड वंस. इनको आप वो जिससे आप चटनियाँ नहीं पीसते हैं उससे आप इनको पीस लें. ये है इसका शेप, लाइक दिस. ठीक है, अब इसके अंदर एक सर्कल बनाएं, होल बनाएंगे हम इसके अंदर. तो ये मैंने इसमें होल बनाया और अब मैं इसमें ये डालूंगी स्टिक्स दो. ये अभी डालना इसलिए ज़रूरी क्योंकि एक दफ़ा ये हार्ड हो गया तो फिर आप इसके अंदर नहीं डाल सकेंगे. तो ये आप अभी डालें ताकि आपकी केक का ये टॉपर बन जाए. अब हम अपना ग्लू यूज़ करेंगे. ग्लू क्या है हमारा, पानी. इस पे हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे. वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर विद द डार्कर कलर. ये हमारे कलर्स हैं और जैसे आप चाहें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सिर्फ एक मिनट, आई थिंक दिस इज़ इम्पोर्टेंट. पूरा क्रिस्टल बन जाए और फिर आप अपने काउंटर से उठा ना सकें, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. ये ओके, शेप ये है. कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें. अपनी मर्ज़ी से लगाना शुरू कर दें. ये मैं तो रेड्स में बना रही हूँ, ये ब्लूज़ और ग्रीन्स में भी बहुत खूबसूरत लगता है. तो आप अपना फॉन्डेंट जो है वो ब्लू, ग्रीन और वाइट रखें और अपनी कैंडीज़ जो आप लेके आएँ वो ब्लू. एक और ऑप्शन भी है, अगर आपको कैंडीज़ इस कलर में ना मिलें और सिर्फ वाइट मिलें तो आप पूरा वाइट बना लें और फिर जो ये हमारे जो एडिबल जेल कलर्स हैं उनको थोड़ा सा ड्रॉप करके उसके ऊपर डाल दें. दैट ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये आप जिस दिन आपने केक अपना सर्व करना है उससे एक दिन पहले आप बनाएंगे और इसको ड्राई होने रख देंगे. वरना अगर आप मैं अगर ये अभी अपने केक पे लगा दूँगी तो ये गिर जाएगा. नीड्स टू ड्राई. फर्स्ट द मेन, इसकी जो क्रम्स हैं आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे डालें. ये कलर्स चूज़ किए. अब थोड़ा सा अगर आपको मिले तो इट वुड लुक वेरी नाइस. मेरे पास है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ. गोल्ड लस्टर पाउडर यहाँ से आपको मिल जाता है. जहाँ आपको बेकिंग इक्विपमेंट या ऑनलाइन अगर आपको कलर्स चाहिए वहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा. एज यू कैन सी ये सॉफ्ट है अभी, इसको हम इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते. वी हैव टू वेट अंटिल इट इज़ डन. ये हम साइड्स पे लगाते हैं थिक करके. दैट्स इट. ओके, ये आपका जो शुगर क्रिस्टल है ये इस तरह से बन जाता है. जब ये ड्राई हो जाएगा, देखिए अभी मैं हिला भी रही हूँ सो इट्स अ प्रॉब्लम,
लेकिन जब ये ड्राई हो जाएगा पूरा और आप ये अपने मार्बल केक के ऊपर रखेंगे इट विल लुक ब्यूटीफुल. तो मैंने जो कल आपके लिए बनाया था इस केक के लिए वो मैं अभी निकालती हूँ एंड देन आई विल स्टिक दैट ऑन इट फॉर यू. मैं अभी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ. ये वाइट कलर के फॉन्डेंट पे मैंने कल बनाया था. ये इसी का आप कह सकते हैं रेप्लिका है. वाइट फॉन्डेंट के ऊपर वाइट और उसके ऊपर बीच में मैंने ये रेड कलर की सारी कैंडीज़ लगाई थी और फिर गोल्ड. इट्स एग्जैक्ट सेम थिंग बस वो पिंक पे है और ये वाइट पे है. जैसे आप चाहें आप अपना बना सकती हैं. एंड देन व्हेन वी आर डन आप सिर्फ इसको और ये आपका मार्बल जियोड क्रिस्टल केक तैयार है. मार्बल्ड फॉन्डेंट केक विद शुगर जियोड. अज्जा फॉन्डेंट हस्पे जरूरत. रेड फूड कलर या जेल थोड़ा सा. गोल्डन एडिबल पाउडर हस्पे जरूरत. कैंडीज 10 से 12 तक. वनीला स्पंज के लिए अज्जा. मैदा 2.5 कप. चीनी 2 कप. बेकिंग पाउडर 2.5 चाय के चमचे. नमक आधा चाय का चमचा. वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा. मक्खन 1 कप. अंडे 4 अदद. दूध 1 कप. बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए अज्जा. मक्खन 200 ग्राम. आइसिंग शुगर 400 ग्राम. वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा. दूध 2 से 3 खाने के चमचे. तरकीब: एक बड़े प्याले में मक्खन और चीनी अच्छी तरह फेंटें, फिर बारी बारी चारों अंडे शामिल करें और वनीला एसेंस मिला दें. अलग प्याले में मैदा बेकिंग पाउडर और नमक मिला लें. अब खुश्क अज्जा थोड़े थोड़े करके मक्खन में मिलाएं और साथ साथ दूध भी शामिल करके बैटर तैयार कर लें. तैयार बैटर गोल केक टिन में डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन में दोनों केक 45 से 55 मिनट बेक कर लें. बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन फेंटकर दो दो खाने के चमचे चीनी मिलाएं और अच्छी तरह फेंटें. अब वनीला एसेंस और हस्पे जरूरत दूध मिलाकर हस्पे मंशा स्मूथ फ्रॉस्टिंग तैयार कर लें. जियोड बनाने के लिए फॉन्डेंट से बेजवी शक्ल में बड़ा सा टुकड़ा बनाकर और दरमियान में सुराख कर लें. दो स्क्वायर्स लंबाई में लगाकर स्टैंड बनाएं. ब्रश से थोड़ा सा पानी फॉन्डेंट पर लगाकर कैंडीज लगाएं. दरमियानी हिस्से पर फूड कलर लगाकर और साइड पर गोल्डन पाउडर छिड़क दें. रात भर इसको खुश्क होने दें. स्पंज ठंडा हो जाए तो एक स्पंज के ऊपर वाले हिस्से पर बटर क्रीम लगाकर दूसरा हिस्सा ऊपर रखें और केक पर अच्छी तरह बटर क्रीम लगाकर 30 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने दें. काउंटर पर मैदा छिड़क कर फॉन्डेंट में खाने का लाल रंग मिलाकर मार्बल की तरह डिजाइन बनाएं और केक के साइज के लिहाज से बेलें. अब फॉन्डेंट केक पर लगाएं और जायद हिस्से काट लें. सर्व करने से पहले तैयार किया हुआ जियोड लगाकर सर्व करें. I hope you liked it. And it's very easy to make. You make your own colors. And jo aap apne ghar mein banaye, wo hame zarur bheje. We would like to see them. Hamara email address hai bakeathome@masalatv.tv. And aap hame hamare social media handles pe bhi aap dhoond sakte hain. We are on Instagram, Facebook. Send us a message. Tell us what you like. And inshallah, we will come back with an even better program. Thank you so much. Stay blessed.